हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और हमारे चैनल का नाम है स्किल बी आर नंबर वन। और आप लोग को पहले से पता है दोस्त कि मैं अपने चैनल पर क्या एक टेक्निकल इक्विपमेंट पे वीडियो लाता हूं, चाहे वो फोटो कॉपियर मशीन हो, चाहे वो कलरिंग टैंक प्रिंटर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो यूपीएस हो। मैं 1 किलोवाट यूपीएस से लेकर 50 किलोवाट यूपीएस तक का कोई सा भी कंपनी का हो दोस्त, अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे चैनल पे आए विजिट करें, मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पक्का आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, तो देखिए आज मेरे पास एक एचपी का मॉडल नंबर है, एचपी लेजर जेट MFE 436ND। ये बहुत पॉपुलर मॉडल है दोस्त और बहुत अच्छा फोटो कॉपियर मशीन है, कम पैसे में अभी अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। तो चलिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है, देखिए इस मशीन को मैं ऑन करता हूँ, देखिए हो क्या रहा है। अभी तो फिलहाल इसका प्रॉब्लम मैं ठीक कर दिया। दिक्कत क्या हो रहा था कि जैसे ही इसमें हम प्रिंट मारते थे, ऑन किए, मशीन रेडी हुआ, प्रिंट करने पे क्या करेगा दोस्त, एक पेपर को ये लेगा और यहाँ पे आके पेपर को क्या है, फंसा देगा, जाम कर देगा। तो अगर कभी भी ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम आता है तो देखिए ये प्रिंटर क्या एक मशीन है, तो इसको टेक्निकली समझे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अगर आप इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेंगे तो शायद आपको रिपेयरिंग करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे पेपर रुक रहा है, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों रुक रहा है पहले ये सोचें। देखिए दोस्त ये नीचे जो दो मोटर लगे हैं ये देख रहे होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है दोस्त, ठीक है। तो ये जो मोटर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लच मोटर। क्लच मोटर बोला तो पहले क्या आता था, जो छोटे प्रिंटर थे दोस्त उसमें आता था सोलोनॉइड स्विच, सेम उसका काम ये क्लच मोटर करता है। इस पेपर को यहाँ से लिफ्टिंग करने का काम ये हमारा मोटर करता है दोस्त। एक मोटर यहाँ पे है, एक मोटर उसके अंदर में है, ठीक है। इसमें दो मोटर है, दो मोटर इसलिए है दोस्त, एक हमारा इस ट्रे जो है यहाँ पे देखिए, ये ट्रे बाईपास ट्रे है ये वाला, इस ट्रे से उठाने के लिए एक क्लच मोटर है और उससे हमारा दूसरा क्लच मोटर है। और ये जो मोटर है ये है रजिस्ट्रेशन मोटर, ये दोनों अलग अलग मोटर आते हैं, ठीक है। तो पेपर अगर कहीं लिफ्ट होके यहाँ पे आके रुक रहा हो, यहाँ पे यहीं पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे मतलब ये क्लच मोटर अपना काम किया, पेपर को लिफ्ट किया। अब यहाँ के बाद पेपर नहीं उठ रहा है तो समझिए हमारा रजिस्ट्रेशन मोटर खराब हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करें, देखिए मैं बताता हूँ, इस ट्रे को खोल लें। इस ट्रे को खोलेंगे ना, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे, देखिए निकल जाएगा ट्रे। ट्रे निकलते हैं, सबसे पहले आप ये एक बार ये पेपर पिकअप रोलर जो है इसका भी मुआयना कर लें कि इसमें दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये पुराना था, इसको मैंने नया लगा दिया, ठीक है। कभी कभी ये भी दबा रहेगा तो ऐसा दिक्कत करता है। उसके बाद आप क्या करें, इस मशीन को बिल्कुल अंदर में देखें, मैं थोड़ा सा उठाने कोशिश करता हूँ। देखें ये जो है ना, ये देखिए घुंडी, इसको आप क्या करेंगे दोस्त, मशीन को ऑन करें और इस सेंसर को आप प्रेस करेंगे हाथ से, ठीक है। जो ब्लैक वाला ये पेपर सेंसर है हमारा, ठीक है, मेरे को एक हाथ से बनाने में नहीं बनता। चलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल को एक बार टेढ़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो है ना, ये सेंसर, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि आपका ट्रे में पेपर नहीं है, ठीक है दोस्त। ये भी देखिए सही से काम नहीं कर रहा है, ये देखिए, अगर ये कभी सेंसर ख़राब हो जाएगा तो क्या बोलेगा, ट्रे में पेपर नहीं है, ये वाला सेंसर, ठीक है। तो इस सेंसर को हाथ से प्रेस करेंगे और बगल का ढक्कन लगाएंगे और आप फोटोकॉपी प्रिंट देंगे ना, तो देखिए ये मोटर आपको रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये रोटेट हो रहा है तो समझे कि यहाँ से ठीक है, पेपर जा रहा है, फिर प्रॉब्लम आगे का है। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, देखिए वो मोटर घूम रहा था क्लच मोटर, अभी ये क्या है, ये मोटर नहीं घूम रहा था। तो सबसे पहले क्या करें, अगर कभी भी ऐसा दिक्कत आए ना, तो आप क्या करें दोस्त, यहाँ पे एक CTC आता है मेरे पास, देखिए इसमें पेट्रोल था, CTC वाले में पेट्रोल है, बहुत दिन हो गया इसलिए ब्लैक हो गया। तो इस CTC से पहले मशीन को ऑफ कर दें और इसमें पूरा CTC डाल दें, ऐसे ही बाहर से ही डाल दें। जैसे ये क्या करता था, दो पेज उठाता था, तीसरा फिर यहीं पे फंसा देता था, मतलब क्या ये काम कराता, ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन मोटर है वो कभी कभी वर्क नहीं कर रहा था। तो हम क्या किए, उसमें CTC डाल दिए। CTC डालने से क्या है, थोड़ा सा वो धुल जाता है, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट दें, अभी देखिए फिलहाल इसमें मैं प्रिंट मारता हूँ, अभी देखिए फोटो कॉपी ले रहा है, देखिए मैं डिस्प्ले पे लेके चलता हूँ। अब इसका पहले मैं ट्रे लगा देता हूँ, देखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो ठीक हो गया, अगर कभी ठीक ना हो दोस्त तो उस मोटर को आप चेंज कर दें, उसका वीडियो मेरे पास चैनल पे पड़ा है, नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं एक दूसरा वीडियो फिर से बना के डाल दूंगा। अभी देखिए ग्रीन हो गया, अभी देखिए वार्मिंग हो रहा है मशीन। अब मैं अगर कॉपी दूंगा तो देखिए पक्का वो निकाला गया, तो पहले से निकाला हुआ रेडी हो गया। अब चलिए मैं एक फ़ोटो कॉपी देता हूँ, ऐसे ब्लैंक है, मैं ब्लैंक दिया हूँ इसलिए कि टोनर वेस्ट करना। अभी देखें, देखिए पेपर को लिफ्ट करने शुरू कर दिया, पहले ये नहीं कर रहा था।
तो अगर कभी भी आपको भी ऐसा दिक्कत आता है तो पक्का इस तरीका से उसका सोल्यूशन करें। क्लच मोटर खराब हो जाएगा तो ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं दोस्त, उनका मतलब मेहनत तो मेरा है, लेकिन आप लोग जो मेरा वीडियो को इतना देखते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, जिसके कारण कि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसलिए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू और धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ठीक है, मैं अपना फेस नहीं दिखाता हूँ दोस्त, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है। अभी जैसे ही कुछ फाइनेंशियल ठीक होगा मैं अच्छा कैमरा सेटअप करूँगा, फिर मैं आपको अपना फेस सब कुछ दिखाऊँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।